अगर आपने हाल फिलहाल में नौकरी चेंज की है या फिर करने जा रहे हैं तो ईपीएफ खाते से आपको एक बड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। तो इस जानकारी का नाम क्या है? इस जानकारी का नाम है डेट ऑफ एग्जिट। अगर नौकरी छोड़ने के बाद आप इस फीचर को अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आप अपने पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या है ये फीचर, इसको अपडेट कैसे किया जाता है, और इसके साथ ही मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा जो आपके लिए बहुत काम की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आपको सिंपली लिखना है ईपीएफओ। आपके सामने ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए सर्विस का विकल्प है यानी सेवाओं का, दो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉय। तो आपको एज अ कर्मचारी के तौर पे आप कर रहे हैं तो फिर फॉर एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एम्प्लॉय पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नीचे सर्विसेज के कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, विकल्प खुल जाएंगे। तो हमें कहाँ जाना है, वन एम्प्लॉय वन ईपीएफ अकाउंट पर। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, ये पेज पूरा खुल जाएगा जिसमें यूएन नंबर है, पासवर्ड है, कैप्चा, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप इस लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहते हैं तो मेरे पास एक और विकल्प है, बहुत शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, सिंपली मेंबर होम लिखना है और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल यही पेज खुल जाएगा। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे यूएन नंबर डाला जो 12 डिजिट का था मेरा, मैंने वो डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा डाला और उसके बाद मेरे सामने ये पेज खुल गया है। अब यहीं से शुरुआत होगी डेट ऑफ एग्जिट की, आपको करना कैसा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मैनेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज का ऑप्शन में आपको सबसे नीचे जाना है, मार्क एग्जिट। मार्क एग्जिट पर जब आप जाएंगे तो ये देखिए मार्क एग्जिट पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए सेलेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज़ करना है। तो मैंने अपनी जो प्रीवियस कंपनी, ध्यान रखिएगा प्रीवियस कंपनी को आपको चूज़ करना है, प्रीवियस कंपनी को मैंने यहाँ पे चूज़ किया। मेरे सामने यहाँ पे कई सारे विकल्प खुल गए हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जॉइनिंग और यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डेट ऑफ एग्जिट की। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग ठीक है या नहीं है। आप यहाँ पर क्या करना है, आपको आप डेट ऑफ एग्जिट डालें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आप जान लीजिए। अब यहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने एग्जिट क्यों किया। यहाँ पे कई सारे विकल्प हैं आपके सामने, रिटायरमेंट है, परमानेंट डिसेबलमेंट है और शॉर्ट सर्विस है, तो आप शॉर्ट सर्विस पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट आप डालेंगे, उसके बाद आप जो भी यहाँ पर है आई हैव रेड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली, उन सबको रीड करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिक्वेस्ट ओटीपी डालिए। रिक्वेस्ट ओटीपी डालने के बाद जो आपके पास ओटीपी नंबर आएगा उसको आप यहाँ पे डालिए और फिर अपडेट कीजिए, तो आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो मैंने कहा था कि दो जानकारियाँ, तो वो दो जानकारियाँ जो हैं वो ये हैं कि पहला कि अगर आपको ये अपडेट करना होगा, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया है तो 2 महीने के बाद आप डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ कि आपका पीएफ से खाते से पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो आप एक आंशिक अमाउंट जो है राशि है वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो फिर आपको एक डेट ऑफ एग्जिट जो है वो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पूरा फुल एंड फाइनल अमाउंट पीएफ खाते से निकाल पाएंगे।